रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो ज़ाहदर व्लॉग्स कैसे हैं आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज है मंडे और मंडे अमूमा होता है हमारा ग्रॉसरी डे और जब भी बच्चों को आवाज़ आई गाड़ी रुकने की तो तीनों बच्चे माशाल्लाह से भागते हुए गए कि हम भी बाबा की हेल्प करवाएंगे और आप यहाँ पर देखें कि हरमेन भी जो है हेल्प करवाने में पेश पेश है अच्छा पहले मुझे ग्रॉसरी डे जब होता था हमारा तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मेरे पिछले घर में आप कहें कि मैं थर्ड फ्लोर पर रहती थी और अच्छी खासी स्टेयर्स चढ़ के हमें ग्रॉसरी जो है वो अपनी ऊपर लाना पड़ती थी और आपको पता है वीकली ग्रॉसरी अच्छी खासी हो जाती है बच्चों वाले घरों में अब अल्हम्दुलिल्लाह डोर स्टेप पर हमें सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं आराम से सिर्फ़ हमने बैग्स अंदर लेके आने होते हैं तो बच्चे इसमें हेल्प करवाते हैं और इसके अलावा पहले मैं आपको बता रही थी कि मुझे ग्रॉसरी ये सारी चीज़ें रखना बहुत बोरिंग लगता था इसलिए कि मेरे पास इनकी कोई डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं थी अब मैंने इस तरह की बास्केट रखी हुई है और इसमें हर चीज़ की अपनी अपनी जगह है तो बहुत ही आसानी से जो बच्चों की बास्केट्स हैं उनमें मैं उनकी चीज़ें डालती हूँ और जिस हिसाब से मैंने जिस जिस चीज़ को जो प्लेस दी हुई है वहाँ पे वो आराम से चली जाती है इस तरह बहुत ही आसानी हो जाती है आपकी चीज़ें रखने में चीज़ें ढूंढने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता इस तरह की जो वायर वाली हैं उसमें मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ बच्चों के स्नैक्स वग़ैरह और लेज आज हमारे घर में आ रहे हैं इसलिए कि छुट्टियाँ हैं बच्चे कभी कभी इनको खाना पसंद करते हैं अभी जब वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी रूटीन कितनी टफ़ होती है है। हर बच्चों की होती है लेकिन जब यहां पे आप मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी ना जब स्कूल डेज की तो आप दाद देंगे भाई मेरी हिम्मत को इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ़ है आपकी रूटीन वो क्यों है वो आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा और जहाँ पे ये देखें मैं आपको जो बास्केट दिखा रही मैंने रखा हुआ है ओट्स फ्लोर जो कि प्री कुकड है इसको पकाना बहुत ही आसान है इसको मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मैं अपने हस्बैंड के लिए जब रोटी बनाती हूँ तो मैं इसको और इसके साथ बेसन को जमा करती हूँ ऐड करती हूँ और मैं रोटी बनाती हूँ पहले मैं भी ये रोटी खाती थी लेकिन आज मैं बुरे तरीके से अनहेल्दी चीज़ें खा रही हूँ और इन बच्चों का स्कूल होगा तो उसके बाद मैंने पक्का प्रॉमिस किया है कि मैं भी अच्छी चीज़ें खाऊंगी हेल्दी ईटिंग करूंगी अब मैं आपको बताऊं कि मेरे दो फ्रिज हैं एक फ्रिज जो मेरा किचन में है दूसरा मेरा ये वाला फ्रिज है इसके अंदर अब आप देख लें कि मैं वो सारी चीज़ें जैसे बच्चों के जूस हो गए बच्चों के आप हैं कि जो बच्चों की जूस और ड्रिंक्स वगैरह हैं वो सारे मैं यहाँ पर रखती हूँ और सैलड की चीज़ें वो सारी यहाँ पे आती हैं और नीचे फ्रीज़र सेक्शन है वहाँ पे हमारा मीट वग़ैरह सब कुछ वहाँ पे आ जाता है मैं वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी धो के नहीं रखती कि धो के रखने का मतलब है कि उनमें मैं एक्स्ट्रा मॉइस्चर डाल रही हूँ पूरी तरह ड्राई करना वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है तो मैं इनको जब यूज़ करती हूँ तो यूज़ करने से पहले मैं इनको वॉश करती हूँ और मैंने इसको जो पैकेट में चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ रख दी हैं अगर ब्राउन पेपर में आप रैप करके रखेंगे तो आपकी चीज़ ज़्यादा अरसे तक रहेगी उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ेगी और मैं चीज़ें फ्रीज़ करके रखने के हक़ हाँ में बिल्कुल नहीं और मेरी ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं विद इन अ वीक में इनको बज दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा वीक से पहले भी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं तो ये लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो वीकली बजट है वो उतना ही रहे लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि बज़ दफ़ा आप ही ख़त्म हो जाती हैं और हमें लाना पड़ता है और यहाँ पर अब बारी आ गई फ्रूट्स की फ्रूट्स को मैं धो के रखती हूँ इसलिए कि होता ऐसा है कि हमारे घर में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं उसमें एक है ग्रेप्स और दूसरे हैं पीच वो उनको मैं एकदम ही आते साथ ही धो के रखती हूँ इसलिए कि बच्चे जो हैं उनको ग्रेप्स बहुत अच्छे लगते हैं बाकी चीज़ें जो है वो मैं उनको ज़बरदस्ती दे रही होती हूँ कि खा लो खा लो औरेंजेज़ मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं बस वही खाते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं लेकिन मैं इतने शौक़ से औरेंज नहीं खाती तो खैर फ्रूट्स को अच्छे तरीके से धोने के बाद इनको भी मैं अपनी अपनी जगह पर रखूँगी और कल आपको याद होगा मैंने मीठे चावल बनाए थे मतलब ज़रदा बनाया था मुझे मीठे चावल कहना ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं उनको मीठे चावल बना बोलती हूँ ज़्यादा तो मैंने ज़रदा बनाया था और ज़रदा बनाते हुए शायद आप में से किसी ने नोट किया हो कि जब मैं बना रही थी खोया बना रही थी तो मेरे जो पेन था उससे बड़ा तो मेरा चम्मच था और वो चम्मच से जब मैं उसको हिला रही थी तो मेरा बाहर गिर गया था उसको मैंने साफ़ तो किया था लेकिन मेरा स्टोव पे निशान थे और फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर लूँ वैसे मैं अच्छी तरीके ज़ वाला क्लीन जो होता है ना चूल्हा वो वीकली करती हूँ साथ साथ साफ़ करती हूँ लेकिन उस तरह मैं वीकली करती हूँ जहाँ पे मैंने आप देखें कि जो आज बर्तन ज़्यादा नहीं थे तो मैंने जो हमारे स्टैंड्स होते हैं चूल्हे के वो मैंने डिश वॉशर में ही डाल दिए और इसके बाद ये वाला केमिकल में लाई थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है चूल्हा क्लीन करने के लिए आपका सिंक क्लीन करने के लिए तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको वो भी आगे क्लिप में चल के आएगा वो मैं आपको भी दिखाती हूँ लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं चूल्हा कैसे साफ़ करती हूँ हर बंदे का अपना स्टाइल होता है अपना तरीका होता है तो मेरा तरीका क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टिशू से जो इसके ऊपर थोड़े थोड़े ज़रे या कुछ ऐसा होता है उसको सबसे पहले उठा लेती हूँ टिशू से चूल्हे को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद मैं जो हूँ इसके ऊपर डालूँगी अभी हमारा जो लिक्विड मैं केमिकल लाई हुई हूँ इसके लिए वो क्रीम है बेसिकली आ, जिसको आपने अपने चूल्हे पे डालना है ये देखें बाहिर मुझे साफ़ लग रहा था लेकिन ये देखें जितनी दफ़ा मैं साफ़ करी तो ऊपर से इसका गंद उतर रहा है अच्छा चूल्हा साफ़ करते करते ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि मुझे ना अक्सर बड़ा दिल करता है कि खुले पानी से काम करने का जैसा हमारा पाकिस्तान और इंडिया इंडिया में होता है कि आप अगर सहन साफ़ कर रहे हो अपना घर साफ़ कर रहे हो तो वो धोने वाला काम फ़र्श धु दु, धुला जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे मैं जब पाकिस्तान में होती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं ना फ़र्श धो और बहुत मज़ा आता था मतलब आपके आ, कपड़े गीले हो रहे हैं और मुझे मतलब मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और लेकिन अब यहाँ पर आपको पता है कि हम पानी उस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते खुला सिस्टम ही नहीं होता कि आ, पानी आपका जाएगा कहाँ पर आप उसको निकालोगे कहाँ पर तो खैर यहाँ पर जब चूल्हा में साफ करती थी तो मुझे बड़ी वो बात याद आई आपने देखा मैंने पहले कपड़ा गीला करके इस पर लगाया और इसके बाद ये वाला केमिकल जो कि के मैं इतनी देर से चाह रही हूँ कि मेरे क्लिप में आ जाए अभी तक नहीं आया और ख़ैर अब आ गया ये वाला केमिकल है एक्सपर्ट जिसका नाम है और ये कहफफोक का यह ऐसा कि इसके ऊपर मार्क जो नज़र आ रहा है आपको कैफ केखव, का है और एक्सपर्ट नाम है इसका पावर क्रीम है और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ इससे पहले मैं ये कभी नहीं लाई पहले वो जो मिस्टर मसल है जिसको हम मिस यू पॉप बोलते हैं वो लाती थी लेकिन मुझे लग कि ये उससे ज़्यादा अच्छा है हर बंदे को अपने अपने तरीके से लगता है ना लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा है तो मैं यहाँ पे इस क्रीम को ऐसे करूँगी मेरा हल्का सा मॉइस्ट है आ, स्पंज इससे मैं इसको फैला दूँगी और आप कहेंगे मैक्सिमम पाँच मिनट या इससे भी कम मैंने इसको छोड़ा है और उसके बाद जल्दी जल्दी से इसको कर लेंगे हम क्लीन और बहुत जल्दी ये क्लीन भी हो जाएगा और यहाँ पे एक और मज़े की बात आपको बताऊँ मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जब भी मैं केमिकल यूज़ करती हूँ तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और लेकिन फिर भी मुझे याद ही नहीं रहती जब मैं काम कर रही होती हूँ मुझे याद ही नहीं रहती कि मुझे ग्लव्स पहनने हैं और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे हाथ इस टाइम शदीद ड्राई हुए हैं फिर इचिंग स्टार्ट हो जाती है एगजामा जैसे नहीं बोलते उस तरह के हाथ हो जाते हैं और मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ था कि तुमने केमिकल को बग़ैर ग्लव्स के नहीं यूज़ करना बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता इसलिए कि बाद में आप वो केमिकल लगा के छोड़ना पड़ता है और इस तरह मुझे साथ साथ ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ कर लूँ और इसके बाद अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैं बच्चों के पास थोड़ी देर बैठी कि हम थोड़ा सा टी देखें आप बच्चे पता नहीं है? मेरे बच्चे तो यूट्यूब पर ही अक्सर चीज़ें देख रहे होते हैं और यहाँ पर भी यूट्यूब पर ही कोई चीज़ लगी हुई है और वो देख रहे हैं उनके साथ में बैठी थोड़ी देर हमने बातें की और अभी जो है टाइम हो चुका है मगरब का और मग़रब के टाइम से आप कहें थोड़ी देर पहले का टाइम है और मैं जा रही हूँ ज़रा बाहर और, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर ये वाला टाइम मुझे ना बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में ज़्यादा गमगीन भी हो जाता है आपको पता है सूरज गरूब होने वाला टाइम आपको उदास करता है लेकिन मुझे इस वजह से अच्छा लगता है कि मुझे ना वो व टाइम का माहौल ज़रा उदासी वाला ही आप कह लें लेकिन वो मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी बहुत अच्छा लगता है तो आज भी मुझे दिल कर रहा था कि मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि बाहर चल के थोड़ी देर बैठा जाए और लेकिन जब मैं बाहर आई तो बच्चों की फरमाइश आगे की मामा बाबा को कॉल करें और उन्हें कहें कि आज हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाएं इसलिए कि ये हमारा जो है वो लास्ट वीकेंड है हम इसको वीकेंड इसलिए बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ट्यूसडे और वेनेसडे को उनका ऑफ़ होता है वो नहीं जाते तो बच्चे कहते हैं कि हमारा वीकेंड है और आप बाबा से कहें कि हमारे लिए आज कुछ खाने के लिए लाएँ आज हम इन्जॉय करेंगे तो अभी मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ और जहाँ पे थोड़ी देर, देर में, में रखिएगा याद आप मुझे मेरी फैमिली और कुछ है कि अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर बहुत सारी दुआ कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़